कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। आज की इस पाठशाला के कार्यक्रम में हम पिछले प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। पिछली पाठशाला में ध्यान की चर्चा हुई थी और दो ध्यान जो अशुभ थे, गंदे थे, आर्त और रौद्र, अर्थात दुख के प्रसंगों में होने वाला आर्त ध्यान और सुख के प्रसंगों में होने वाला रौद्र ध्यान, उन दोनों बुरे ध्यानों की चर्चा हमने की थी। आज इस पाठशाला के कार्यक्रम में जो अच्छे ध्यान हैं, शुभ ध्यान हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। अच्छे ध्यान कौन कौन से हैं? हमने ध्यान के चार भेद बताए थे, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। बुरे ध्यान हैं, इनके करने से हमें इस जन्म में और अगले जन्मों में दुख मिलता है। शेष धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों अच्छे ध्यान हैं। इन दोनों के करने से सांसारिक समृद्धियाँ, अच्छे अच्छे पद और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन शुभ ध्यानों का स्वरूप भी तो बताइए। पहला ध्यान है धर्म ध्यान, अर्थात जो धार्मिक कार्य हम करें, जो अच्छे कार्य हम करें, जो जाप वगैरह हम दें, जो सामायिक आदि कार्य हम करें, उसमें हम अपने मन को एकाग्र बना कर रखें, उसे हम कहते हैं धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान कषाय सहित जीवों के होता है, पर उनकी कषाय बड़ी मंद होती हैं। और जो कषाय रहित जीवों के होता है, उसे कहते हैं शुक्ल ध्यान। ये शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में, वर्तमान में, किसी गृहस्थ या मुनि किसी को भी नहीं हो सकता। वर्तमान में हमारे धर्म ध्यान संभव है, शुक्ल ध्यान नहीं। धर्म ध्यान के कितने भेद होते हैं? धर्म ध्यान के आचार्यों ने चार भेद कहे हैं, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। विषय माने होता है चिंतन। आज्ञा विषय माने भगवान सर्वज्ञ ने किस संबंध में क्या कहा है, आत्मा और शरीर के बारे में क्या उपदेश दिया है, किन महापुरुष का जीवन चरित्र कैसा है, कौन क्या कार्य करने से कैसा बना, इसके बारे में चिंतन करना, भगवान की आज्ञा का निरंतर चिंतन करना, आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरा अपाय विषय, संसार के जीव वास्तविक धर्म को नहीं जानने के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। मैं कैसे ऐसा कार्य करूं जिससे भविष्य में इनको संसार के दुख नहीं उठाने पड़े, ऐसा चिंतन करके उनके दुख दूर करने को, कैसे इनका दुख दूर हो, उसका निरंतर चिंतन करना अपाय विषय है। तीसरा होता है विपाक विषय, अर्थात कर्म और कर्म के फल का चिंतन करना, इसका नाम विपाक विषय है। जैसे कोई व्यक्ति कोड़ी है, उसको देखकर अगर आप घृणा करते हैं तो क्या होगा, अशुभ ध्यान होगा, पाप का बंध होगा। और उसको देख के अगर आप चिंतन करते हैं, इसने पहले जन्म में किन्हीं मुनिराज की निंदा की होगी, कोई गलत कार्य किया होगा, तो देखो इस जन्म में उस कर्म का इसको क्या फल मिला है, शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, गलत कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार जहाँ कर्मों के फल का चिंतन किया जाता है, उसे कहते हैं विपाक विषय। और संस्थान विषय का मतलब होता है तरह तरह के जाप करना, दूसरा लोक का चिंतन करना, लोक कितना लंबा है, कितना चौड़ा है,
इसमें नारकी कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, पृथ्वियाँ कहाँ हैं, सूर्य चंद्र कौन से लोक में हैं, इस तरह लोक का चिंतन करना, साथ साथ में शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना, शरीर ऊपर से चिकना दिखता है, अंदर मलमूत्र से भरा हुआ है, अत्यंत अपवित्र है, इसमें रंच मात्र भी शुद्धता नहीं है, इस तरह चिंतन करना, इसका नाम संस्थान विचय धर्म ध्यान है। ये चारों ध्यान अच्छे हैं, मंद कषाय के सहित परिणाम वाले करते हैं। जब कषाय की मंदता हो और धार्मिक विचारों में एकाग्रता बनती है तब धर्म ध्यान होता है। यह धर्म ध्यान किन जीवों के होता है? यह धर्म ध्यान चारों गतियों के जीवों के होता है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, नारकी तो सारी उम्र भर लड़ने झगड़ने में ही आपस में लगे रहते हैं, उनको वहाँ तरह तरह के कष्ट भी मिलते हैं, उनके धर्म ध्यान कैसा होता होगा? पर नहीं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं लेकिन पहले आयु बंद करने के कारण जिनको नरक जाना पड़ता है, ऐसे जो जीव होते हैं या जिन जीवों को नरक जाने के बाद सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, उनका चिंतन बदल जाता है, और उनका चिंतन बदल जाने से निरंतर वो भगवान के उपदेश का चिंतन रखते हैं, मैंने ऐसा गलत कार्य किया, ये मुझे उसका फल मिला, अगर मैं ये नहीं करता तो नहीं होता, ऐसा चिंतन जब रखते हैं तब उनके धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि जीवों के होता है, मिथ्या दृष्टि जीवों के नहीं होता। त्रयंच भी जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, ऐसे बहुत से त्रयंचों के धर्म ध्यान होता है। आचार्यों ने लिखा है, स्वयंभू रवण समुद्र में असंख्यात मच्छ ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं और व्रती भी हैं, उनको ध्यान कौन सा होता होगा? उनका निरंतर चिंतन अच्छा रहता होगा, उनके धर्म ध्यान होता होगा। त्रिंचों में भी सैनी पंचेंद्री त्रिंचों के धर्म ध्यान होता है। मनुष्यों में धर्म ध्यान बहुतों में होता है, हम देखते भी हैं, और देवों में भी धर्म ध्यान होता है। तो ये धर्म ध्यान चारों गतियों में होता है। देवता लोग भी तो नंदीश्वर दीप जाते हैं, भगवान की क्या ठाट बाट से पूजा करते हैं, पंचमेरु की वंदना करते हैं, तीर्थंकरों के कल्याणकों में आते हैं, उत्सव मनाते हैं, इन सब समयों में उन देवों के धर्म ध्यान होता है। इस तरह धर्म ध्यान चारों गतियों में हुआ करता है। धर्म ध्यान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म ध्यान के लिए हमें अपने आप को धार्मिक बनाना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या कहते हैं, गृहस्थ कौन सा अच्छा माना जाए जो अपने 24 घंटों को तीन हिस्सों में बांटे, 8 घंटे व्यापार करे, 8 घंटे शरीर के काम में भोजन पानी नहाने धोने में लगाए और 8 घंटे धर्म ध्यान में लगाए। 8 घंटे धर्म ध्यान में कैसे लगाएगा? सुबह सामायिक करे, जाप दे, पूजा करे और स्वाध्याय करे, उसके बाद 8 घंटे व्यापार करें, उसके बाद शाम को 6 बजे 7 बजे दुकान से आने के बाद फिर 3-4 घंटे फिर धर्म ध्यान करें, फिर सामायिक करें और जाप दें। जो गृहस्थ अपनी चर्या ऐसी बनाता है उसे हम कहेंगे आदर्श गृहस्थ। ऐसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी प्रकार स्वाध्याय करनी चाहिए, साधुओं की सत्संगति करनी चाहिए, अपनी गोष्ठी बनानी चाहिए, जो स्वाध्याय में हम करके आए उसका हमें चिंतन रखना चाहिए, हमें निरंतर दिन में भाव रखना चाहिए हम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर लें। सबसे बड़ा कारण धर्म ध्यान में है जिनवाणी। आज हम क्या करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, पूजा का अर्थ नहीं समझते। होता क्या है, पूजा तो हो जाती है पर हमारा मन नहीं लगता। हम स्वाध्याय तो करते हैं पर स्वाध्याय का हमें समझ में नहीं आता, हम बैठे तो रहते हैं पर उसका समझ में नहीं आने से चिंतन हमारा ठीक नहीं होता, तो हमारा धर्म ध्यान नहीं बन पाता है। अगर हमें धर्म ध्यान करना है, अच्छे स्वाध्यायी बने,
सत्संगति करें, साधु सेवा करें, तो हम धर्म ध्यान के बारे में जानेंगे और हम धर्म ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त कर पाएंगे। धर्म ध्यान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? धर्म ध्यान करने से मनुष्य और देवगति मिलती है, स्वर्गों के सुख मिलते हैं, अच्छे अच्छे चक्रवर्ती नारायण कृतनारायण आदि के भव मिलते हैं। संसार में सुख देने वाली जितनी सामग्री है वो सारी सामग्रियाँ मिलती हैं और परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त होता है। धर्म ध्यान वर्तमान में यही उपादेय है, शुक्ल ध्यान तो होगा नहीं, इसलिए धर्म ध्यान हमारे लिए उपादेय है। हमारा कर्तव्य है कि निरंतर कैसे धर्म ध्यान बने, इसमें हम प्रयत्नशील हों। हमारे एक मित्र बहुत ज़्यादा जाप देते हैं, तो क्या उनका जाप देना भी धर्म ध्यान है? धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि जीव के होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह अंतरंग में बहुत संतुष्ट होता है और जब वो जाप देने बैठता है ना, तो उसके मन की एकाग्रता उस जाप में आराम से हो जाती है। जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके मस्तिष्क में हजारों संकल्प विकल्प होते हैं, अतः वह जब जाप देने बैठता है ना, तब संकल्प विकल्पों में उलझ जाता है। वर्तमान में जितने जाप देने वाले हैं हमारे दर्शकों में, बहुत सी माताएं बहनें, बहुत से पुरुष वर्ग ऐसे होंगे जो जाप देते होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, सच सच बताएं, आप 108 बार नमोकार मंत्र की जाप देते हैं, मन कितनी बार लगता है? आप यही कहेंगे जाप शुरू की और मन भागा, फिर धर्म ध्यान कैसे हुआ? सोचें आप, चिंतन तो आपका घर में चला गया, चिंतन आपका व्यापार में चला गया, चिंतन आपका किराएदार में और तगादे वाले में चला गया, और आप जाप दो तो धर्म ध्यान थोड़ी होगा, मन की एकाग्रता कहाँ बनी? तो ऐसे नहीं बनती। मन की एकाग्रता बने ना, जाप दें और मन लगे, तब जाके उस जाप को हम धर्म ध्यान में मान सकते हैं, वो भी सम्यक दृष्टि जीव के। लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि ना भी हो और जाप देता है तो भी उसकी हम धर्म ध्यान की भावना तो कहेंगे, चाहे धर्म ध्यान ना कहें। कम से कम अशुभ ध्यानों से बचने की कोशिश तो है, श्रेष्ठ तो माना ही जाएगा, इसमें हमको लगना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बताया कि जाप में यदि मन लगेगा तभी धर्म ध्यान होगा, लेकिन अधिकांश लोग जाप में तो मन लगा ही नहीं पाते हैं, फिर जाप में मन लगाने का क्या उपाय है? जाप में मन कैसे लगे, ये एक बहुत अच्छी समझने वाली बात है। आप अपने मन को उस जाप में लीन कर दें, उस जाप में लगा दें, तब मन आपका लगेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए, पहले आप सावधान हों, फिर मन की एकाग्रता बनाएं और उसके बाद उस मंत्र में आप डुबकी लगाएं। मैं आज सुबह का प्रसंग आपको बताता हूँ। आज ऋषभ निर्वाण दिवस है, आज सुबह सुबह उठा और ठीक 5 बजे जाप देने बैठा। मुझे 2 जाप, एक लंबोकार मंत्र की, एक दूसरे मंत्र की देनी थी। मैंने लंबोकार मंत्र की जाप आज कैसे दी कि जितनी हमारे यहाँ मूर्तियाँ विराजमान भगवान की हैं, जितनी संगी जी मंदिर में हैं, या जितनी महावीर जी, अभी मैं 3 दिन पहले होके आया हूँ, जिन मूर्तियों के मैंने अभी दर्शन किए, तो मैंने ये किया, एक एक मूर्ति के सामने मैंने एक एक बार 2-2 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। बिल्कुल क्रम से मैं एक एक मूर्ति, ये भगवान शांतिनाथ की मूर्ति है, इसके आगे 2 बार पढ़ा, ये भगवान आदिनाथ की है, इसके आगे 2 बार पढ़ा, ये भगवान पार्श्वनाथ की है, इसके आगे 2 बार पढ़ा, इस तरह पढ़ता गया। यहाँ जयपुर में जो संघी मंदिर है, यहाँ बहुत मूर्तियाँ हैं, एक से एक सुंदर मूर्तियाँ हैं। एक एक मूर्ति के आगे एक एक बार 2-2 बार आज सुबह मैंने जाप दी। मैं सच कहता हूँ, 108 बार की जाप में 108 बार ही मन लगा। जाप देने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ये निर्णय बनाएं कि मैं कहाँ जाप दूँ,
ऐसे स्थान पर आप जाप दें जहाँ परम एकदम शांति हो। आज सुबह हमने जाप दी, शांति थी 5 बजे, कोई डिस्टरबेंस नहीं, न किसी का मोबाइल बजता है, न टेलीफोन आता है, न घंटी बजती है, न कोई बच्चा रोता है, कुछ नहीं। हम ये सोचें किस समय जाप दें, आपको अपने घर में जाप देनी है, आप ये सोचें कौन सा समय ऐसा है जिस समय मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ। मैं जानता हूँ एक हमारी महिला है, हमसे स्वाध्याय करती हैं, वो कह रही थी सुबह 10 बजे मेरा बच्चा 9 बजे स्कूल चला जाता है, 10 बजे पति बैंक चले जाते हैं, मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ तो मैं 11 बजे से और 1 बजे तक 2 घंटे ध्यान करती हूँ, क्योंकि घर खाली होता है, किसी के आने जाने का कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो आप स्थान चुने और आप समय चुने कि किस समय आपकी एकाग्रता बनती है। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर गए, मंदिर में भगवान के दर्शन किए, बस बैठे, जाप उठाई और फटाफट जाप की नहीं, जाप खींची और चल दिए। ऐसे क्या होगा, ऐसे मन थोड़ी लगेगा। हम जाप देते हैं तो जाप का जो मंत्र है ना, उस मंत्र के भी एक एक अक्षर का ध्यान करें। अगर आप णमोकार मंत्र की जाप देते हैं तो णमो अरिहंताणम में अरहंत भगवान का ध्यान करें, णमो सिद्धाणम में सिद्ध भगवान का ध्यान करें। अगर ऐसा करेंगे आपका मन लगेगा। णमो अरिहंताणम बोलते समय छोटे आ का ध्यान करें, णमो सिद्धाणम बोलते समय सी का ध्यान करें। अगर ऐसा ध्यान करेंगे आपका मन लगेगा। धवला जो महान शास्त्र है हमारा, उसमें एक विधि और बताई है। णमोकार मंत्र की कभी जाप देनी हो तो एक बार णमोकार मंत्र आप सीधा बोलें, णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवज्जायाणम, णमो लोए सव साहूणम। दूसरी बार अब उल्टा बोलें, णमो लोए सव साहूणम, णमो उवज्जायाणम, णमो आयरियाणम, णमो सिद्धाणम, णमो अरिहंताणम। अब तीसरी बार णमो अरिहंताणम, णमो उवज्जायाणम, णमो सिद्धाणम, णमो लोए सब साहूणम, णमो आयरियाणम। अगर इस तरह आप बदल बदल के बोलेंगे ना तो आपका मन जरूर लगेगा। ध्यान का नाम नहीं करना, हमें वास्तव में ध्यान करना है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारा उतने ही समय में मिलने वाला फल सैकड़ों गुना हो जाएगा। आप पूजा करते हैं, जो पूजा आप करें उसका अर्थ सीख लें। भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप उसका अर्थ सीख लें। जब अर्थ सहित आप भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। और उस समय जो आपका चिंतन भक्तामृत स्तोत्र में एकाग्र हो जाएगा, हम कहेंगे ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान इस प्रकार होता है। जाप में मन लगाना कोई बड़ी बात नहीं, अपना स्थान चुने, समय चुने और सही तरह से जाप देंगे तो आपका मन जरूर लगेगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आज या कल रमोकार मंत्र का जाप जैसे मैंने बताया आप करके तो देखिए, आप खुद कहेंगे हाँ हमारा मन खूब लगा। शुक्ल ध्यान का फल क्या है? शुक्ल ध्यान श्रेणी में होता है और श्रेणी में महान निर्जरा होती है। शुक्ल ध्यान ध्याने वाले मुनिराज अगर परिणामों को इतना उच्च कोटि का ले जाएं कि वो छपक श्रेणी बांट लें तो कर्मों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर इतना न कर पाए और उपशम श्रेणी बांट पाए तो उपशम श्रेणी बांटने से महान निर्जरा होती है और वे शुक्ल ध्यान वाले मुनिराज फिर उपशम श्रेणी से नीचे आते हैं और फिर धर्म ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन महान निर्जरा का कारण होता है। शुक्ल ध्यान से जितनी निर्जरा होती है उतनी किसी अन्य ध्यान से कभी संभव नहीं। ये तो महान ध्यान में है। ये शुभ ध्यान किस किस गुण स्थान में होते हैं, इसको भी स्पष्ट करें। धर्म ध्यान के गुण स्थान की आचार्यों ने 2 परंपराएं लिखी हैं। कुछ आचार्य धर्म ध्यान चौथे से 7वें गुण स्थान तक मानते हैं और आचार्य वीरसेन महाराज धर्म ध्यान चौथे से 10वें गुणस्थान तक मानते हैं।
शुक्ल ध्यान के बारे में कुछ आचार्य सातवें गुण स्थान से चौदहवें गुण स्थान तक मानते हैं और वीरसेन स्वामी ग्यारहवें गुण स्थान से चौदहवें गुण स्थान तक मानते हैं। दो परंपराएं हैं, कोई विशेष अंतर नहीं। और एक ने कसाई की सूक्ष्मता को अकसाई लगभग मान लिया है, लेकिन वीरसेन स्वामी कषाय रहित को ही अकषायी मानते हैं। इस अपेक्षा से भेद है, बाकी भेद कुछ नहीं। केवली भगवान ध्यान कैसे करते हैं? वास्तविकता तो यह है कि केवली भगवान के कोई ध्यान होता ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होता। ध्यान किसे कहते हैं? जब सब तरफ से अपने मन का चिंतन हटा के एक वस्तु पर एकाग्र किया जाए, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जब एक वस्तु पर लगाया जाए तब उसे कहते हैं ध्यान। केवली भगवान केवली हैं, उनके ज्ञान में सारा विश्व स्पष्ट झलकता है। जब सारा विश्व झलकता है तो वो उस सारे विश्व से अपना आत्मा का चिंतन हटा के और एक वस्तु के ऊपर एकाग्र कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए आचार्यों ने लिखा है तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में जो केवली भगवान के ध्यान की चर्चा है वो हमने उपचार से की है। प्रश्न किया है शास्त्रों में, उपचार से क्यों किया आपने? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि ध्यान का फल देखा जा रहा है। ध्यान का फल है निर्जरा, और वहाँ बहुत निर्जरा हो रही है, तो निर्जरा किस कारण से हो रही है? तो उन्होंने कहा निर्जरा का कारण है ध्यान। नाम भी देखिए ना, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, जहाँ सूक्ष्म क्रिया रह गई हो और जहाँ से नीचे नहीं गिरना हो उसका नाम तीसरा शुक्ल ध्यान, और जहाँ सारी क्रियाएं समाप्त हो गई हैं वो चौथा शुक्ल ध्यान है। ध्यान का प्रकरण पूरा हुआ, इस प्रकरण से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमें ये सीखना है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बुरे ध्यान हैं। हमने ये भी समझ लिया कि वर्तमान में हमारे बहुधा अधिकांश 24 घंटे में से 23 घंटे रौद्र ध्यान होता है और वो नरक ले जाने वाला है। आर्त ध्यान कभी जब हम दुखी होते हैं तब होता है, वो भी त्रेंचों में उत्पन्न कराता है। ये दोनों ध्यान खराब ध्यान हैं, हमें इनको छोड़ना चाहिए। कभी ऐसे प्रसंग आ जाएं तो हमें समता परिणाम जिनवाणी का स्मरण करना चाहिए, गुरुओं के उपदेश का ध्यान रखना चाहिए और दुख के का प्रसंग उपस्थित होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। और हमें ये भी इस प्रकरण से सीखना चाहिए कि हमारे द्वारा करने योग्य कार्य है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान अर्थात निरंतर हम धार्मिक प्रसंगों में अपना चिंतन बनाए रखें। हम जाप दें, हम स्वाध्याय करें, हम सामायिक करें, हम पूजा करें, मन लगाकर करें। हम जो भी कार्य करें उसमें अपने मन की एकाग्रता बनाएं। अगर एकाग्रता बनाएंगे तो वो हमारा धर्म ध्यान कहलाएगा। हम में सम्यक दर्शन है या नहीं इसका विषय छोड़ दें, हम अपने को सम्यक दृष्टि माने, हम श्रद्धान करें, सच्चे देव शास गुरु सात तत्व का, तो क्यों नहीं हम सम्यक दृष्टि होंगे। अगर सम्यक में कमी है तो उसे दूर करें, पर हम चिंतन करेंगे तो हमारा चिंतन धर्म ध्यान की कोटि में आएगा और ये चिंतन हमें इस जन्म में सुख देगा, अगले जन्म में सांसारिक सुखों को देगा, बड़े बड़े पदों को देगा, हमें यद्यपि उनकी इच्छा नहीं लेकिन क्रम क्रम से मोक्ष प्राप्त कराएगा। इसलिए आज की शिक्षा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ने योग्य है, धर्म ध्यान करने योग्य है, शुक्ल ध्यान की भावना करने योग्य है। हमें आशा है आप अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे। कल से आप जब जाप जपेंगे ना तो मन लगाकर जपेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हमारा ये पाठशाला, हमारा परिश्रम, आपका समय देना सब सफल है। आइए, जय जिनेन्द्र।